नमस्कार, स्वागत है सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश हाटी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो सोने चांदी में देख रहे हैं वही सुबह वाली कीमतें देखने को मिल रही हैं, कोई ज़्यादा खास बदलाव देखने को नहीं मिला है, सुस्ती वाला माहौल है। वहीं एक नरमी के साथ गिरावट के साथ सोने चांदी की कीमतों में ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। सोना इस वक्त इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में $1927 के आसपास है। वहीं सिल्वर $24.4 पर आधे फीसदी की गिरावट के साथ ट्रेड करती नजर आ रही है। गोल्ड में भी नरमी वाला माहौल है, $1927 के आसपास है। कच्चे तेल की बात की जाए तो कच्चे तेल में भी सुबह वाला ही रुझान शाम में भी देखने को मिल रहा है। WTI इस समय 1.5% की बढ़त के साथ $103 पर है। वहीं ब्रांड क्रूड ऑयल 1.5% की बढ़त के साथ $108 पर। कच्चे तेल में भी देख रहे हैं कि हरे निशान पर ट्रेड करते नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ से क्रूड में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्रूड की कीमतें यहाँ से आगे बढ़ेंगी या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जान लेते अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजा जी। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। अमित जी, सबसे पहले अगर क्रूड की बात की जाए तो क्रूड की कीमतें हमने 2-3 ट्रेडिंग सेशन से रिवाइव होते हुए देखी हैं, आपको क्या लगता है क्या क्रूड में अभी ऐसी उठापटक वाला माहौल बना रहेगा और क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी क्रूड की? जी देखिए, जो कॉन्फ्लिक्टिंग खबरें आ रही हैं, जहां पर जो सप्लाई है वहां पर पहले ये फैक्टर हो रहा था कि कटौती हो रही है, लेकिन साथ ही जब से यूएस प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस किया कि 1 मिलियन बैरल्स पर डे वो रिलीज करेंगे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से, और तब से हमने थोड़ा सा एक दबाव ऊपरी स्तरों पे बनते हुए देखा है और ज्यादा उठापटक आते हुए देखी है। लेकिन जो रेंज रही है, जो दायरा रहा है क्रूड का, वो काफी नैरो रहा है। अगर हम रुपी टर्म्स में देखें तो 7400 से लेके 8000 के बीच ट्रेडिंग हो रही है और ये कुछ समय और तक जारी रहेगा। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि रिसेंटली यानी पिछले 2-3 सेशन से हम देख रहे हैं कि एक सपोर्ट हमें $100 से $102 के बीच बनता हुआ दिख रहा है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि जो जनरल टेंडेंसी रहेगी क्रूड की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी अगर हम 1 हफ्ते से 10 दिन की बात करें, तो अपसाइड की रह सकती है और मैं ओवरऑल बाय ऑन डिप की रणनीति सजेस्ट करना चाहूंगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि डिप्स आएंगी, जैसे इंट्राडे में आपको 7750 के करीब एक डिप मिल सकती है, वहां से ले लीजिए 7600 के स्टॉक के साथ, और ओवरऑल ऐसा लगता है कि 8000 के जो स्तर है शॉर्ट टर्म में वो दोबारा हासिल हो सकता है। जी ये समित जी, गोल्ड सिल्वर में देख रहे हैं कि जब से डॉलर तेज हुआ है, डॉलर गोल्ड सिल्वर की कीमतों में नरमी वाला रुख देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है क्या अभी गोल्ड यहाँ से $1900 के नीचे भी जा सकता है? जी पोजिशनली मेरा मानना है कि $1900 के नीचे जा सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस, हालांकि मुझे लगता है कि एक बार 52000 के करीब जाकर दाम जो है वो गिरेंगे, यानी स्पॉट गोल्ड जो है हो सकता है कि हमें $1940 तक दिखा दे। आज FOMC मीटिंग मिनट्स भी है तो उसके पहले एक शॉर्ट कवरिंग का रुझान सुबह से दिख रहा है, तो ये एक्सटेंड हो सकता है इवनिंग सेशन में। हालांकि ये जरूर है कि अपसाइड लिमिटेड होगा और 52000 से दोबारा ये दाम है वो नीचे की तरफ रुख कर सकते। जी ये सनु जी, नेचुरल गैस में देख रहे हैं आज बढ़त देखने को मिल रही है, नेचुरल गैस $6.1 पर ट्रेड करती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से इंडिया में समर सीजन है तो क्या विदेशों में इसकी वजह से कुछ कमी आ सकती है नेचुरल गैस की कीमतों में, या फिर यहाँ से जो डिमांड है और कीमतें हैं वो तेज रहेंगी? देखिए, नेचुरल गैस में समर सीजन में यूएस में आजकल काफी इंपॉर्टेंस रहता है क्योंकि वहां पर एयर कंडीशनिंग के लिए जो डिमांड होती है वो लगभग विंटर डिमांड जितनी ही होती है, और जिस सीजन में हम जा रहे हैं वहां पर इन्वेंट्री लेवल्स कम है, रशिया से भी जो सप्लाई है वो काफी लिमिटेड है यूरोप को और आगे जाकर और लिमिटेड हो सकता है। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस में इवेंचुअली काफी उठापटक के बाद पिछले महीने एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है और ये अप ट्रेंड जारी रहने की अच्छी उम्मीद है। इमीडिएट तौर पर जो पोजिशनली अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है 440 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ओवरऑल ये जो टेंडेंसी है ये 500 से 510 तक प्राइजेस को लेके जाएगी, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस नेचुरल गैस में तेजी करके चलना फायदेमंद हो सकता है। जी ये समय जी, बेस मेटल्स में आपको क्या लगता है अभी ऐसा कौन सा बेस मेटल रहेगा जिसमें सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है? जी आई थिंक जो डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर से वो है जिंक और एल्युमिनियम, और मुझे लगता है कि इन दो काउंटर्स में ही तेजी रह सकती है, खास करके जिंक में एक अच्छी बढ़त का पोटेंशियल है। इमीडिएट तौर पर 358 और ओवरऑल 363 जो हमने पिछले हफ्ते देखा था वो रीटेस्ट हो सकता है, तो मैं जिंक में तेजी करके चलना पसंद करूंगा। जी
अमित जी, नॉन एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप? जी मेरे हिसाब से पोजिशनल बेसिस नेचुरल गैस 450 455 के करीब बाय करके 510 का स्टॉप लॉस टारगेट लिया जा सकता है, और इस ट्रेड के लिए 430 का स्टॉप होगा। साथ ही जिंक में शॉर्ट टू मीडियम टर्म तेजी करके चल सकते हैं, 350 के ऊपर जब तक प्राइसेज हैं तब तक 500 की रणनीति होनी चाहिए 358 और 363 के लक्ष्य के लिए। जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की। यहाँ सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे अमित जी से कि एग्री कम्युनिटीज में कैसा रुझान रह सकता है। शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैंथ ऑयल से। अमित जी, हमने मैंथ ऑयल को हाल ही में 1150 का लक्ष्य हासिल करते हुए देखा था, जो आपका टारगेट था 1150 का, सबसे पहले आपका वो टारगेट अचीव हुआ, लेकिन उसके बाद से देख रहे हैं कि मैंथ ऑयल में ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग भी बनी है और 1106 पर अप्रैल वायदा ट्रेड करता नजर आ रहा है एमसीएक्स पर। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अभी कीमतें यहाँ से मैंथ ऑयल की और नीचे जा सकती हैं, या फिर यहाँ से जो कीमतें हैं फिर से रिवाइव हो सकती हैं? जी देखिए, एज सच तो जो रैली की शुरुआत है वो लगभग 960 से 970 के करीब हुई थी, और लगातार हम लेवल देख रहे हैं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि पहला जो टारगेट था वो 1080 का था, उसके बाद मैंने 1150 का लक्ष्य दिया था, वो भी हासिल हो गया। तो इतनी लंबी तेजी के बाद एक मुनाफे वसूली का दौर आना स्वाभाविक है, और मुझे लगता है कुछ समय तक ये चलेगा। हालांकि मैं ये नहीं समझता कि 1070 से ज्यादा नीचे प्राइजेस जाएंगी, तो अगर 1090 से 70 के बीच प्राइजेस मिलती है तो वहां से दोबारा बाइंग करनी चाहिए। नेक्स्ट जो बड़ा पोजिशन टारगेट मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि 1210 के लक्ष्य आ सकते हैं। जी, यहीं से मैं जी M6 कॉटन की बात करें तो सुबह तो देख रहे थे कि 42,000 के आसपास था लेकिन बाजार, लेकिन अब देख रहे हैं 43,000 के ऊपर फिर से निकल चुका है। वहीं देख रहे हैं कि जो मई वायदा है M6 कॉटन का वो 44,000 के बेहद करीब है। तो अमित जी, आपको क्या लगता है, क्या अब कॉटन यहाँ से 44,000 का स्तर आज दिखा पाएगी, या फिर एक दो ट्रेडिंग सेशन में कॉटन में 44,000 देखने को मिलेगा? जी देखिए, जो नियर मंथ फ्यूचर्स है या नजदीकी जो वायदा है उसमें मुझे लगता है कि 44,400 तक के लेवल देखने मिलेंगे, लेकिन ये बहुत ही इमीडिएट टर्म में जो टारगेट है वो कह रहा हूँ। अगर हम इससे भी थोड़ा लंबा टारगेट लें तो मुझे लगता है कि 46,000 तक के लक्ष्य में देखने मिल सकता है। तो अब भी मैं बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाऊंगा, यहाँ पर भी बाई किया जा सकता है, इमीडिएट टारगेट 44,400 और पुल रहेंगे 46,000 के लक्ष्य के लिए। जी ये समय जी, मसालों में हमने तेजी आते हुए देखी है, चाहे धनिया हो, जीरा हो, हल्दी हो, तीनों ही मसालों में काफी शानदार तेजी आई है। जो मसाले काफी लंबे समय से सुस्ती के साथ ट्रेड कर रहे थे उन्होंने अचानक यू टर्न लिया है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मसालों में ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव है, या फिर मसालों में अब जो तेजी बननी चाहिए थी वो बनने स्टार्ट हो चुकी है? जी देखिए, मसाला पैक में मुझे लगता है कि धनिया बहुत टाइम से ये उम्मीद थी कि धनिया में तेजी आएगी, लेकिन फिलहाल आ नहीं रही थी। पिछले 2 हफ्तों में हमने काफी जबरदस्त तेजी आते हुए देखी है, तो ये मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है ये बरकरार रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हालांकि 10,000 से लगभग 13,000 तक की प्राइस हो चुकी है, लेकिन जो जो मुझे टारगेट आ रहे हैं ऐसा लगता है कि 14,500 तक धनिया की तेजी एक्सटेंड होगी, यानी करंट लेवल से भी करीबन 10% की तेजी हमें दिखाई दे सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये तेजी जारी रहेगी करंट मार्केट में, या 300 या 400 रुपए की अगर डिप भी आए तो बाय करना चाहिए 14,400-14,500 के लक्ष्य से। जी ये समय की बात करें अगर कैसा सीड की, तो कैसा सीड में हमने ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, जो कैसा सीड ने बीते कुछ ट्रेडिंग सेशंस पहले 7,500 तक के लक्ष्य दिखा दिए थे, लेकिन उसके बाद से देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आते आते 7,100 पर कैसे सीड इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या कैसे सीड फिर से कंसोलिडेशन मोड में जाने वाला है, या फिर यहाँ से जो कीमतें हैं वो फिर से बढ़ सकती हैं? मुझे लगता है कि कुछ देर का या कुछ दिनों का कंसोलिडेशन हो सकता है, जिस तरह हमने 1 महीने का कंसोलिडेशन लगभग 7,400 से 7,100 के बीच देखा था पिछले महीने, लेकिन ये जो साइडवेज होगा मूवमेंट, ये बहुत ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। मुझे लगता है कि अभी ऊपरी स्तरों में 7,800 से 7,900 के लक्ष्य पेंडिंग है, तो उसके लिए काफी जल्द हमें जो प्राइजेस है वो जाते हुए दिखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी डिप यहाँ से आती है 7,100 हो या 6,900 तक भी अगर चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 7,800 को लेकर के टारगेट को लेकर चला जा सकता है। जी ये सभी जी, ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में जैसा आपने बताया था कि तेजी का ही रुझान है, कंटिन्यूस तेजी बनी रहेगी, ठीक वैसा ही ट्रेड हम ग्वार में होता हुआ देख रहे हैं। देख रहे हैं ग्वार कम 13,200 के ऊपर है और गवा सीट 6,600 के ऊपर, और 6,725 का भी हाई लग चुका है।
अमित जी आपको क्या लगता है, अब क्या यहाँ से अभी एक करेक्शन बन सकती है ग्वार कॉम्प्लेक्स में, या फिर जो तेजी है कंटिन्यूस रहेगी और 14,000 का भी आंकड़ा पार कर जाएगा? जी ग्वार गम में मुझे लगता है कि जो तेजी है वो जारी रहेगी। 13,000 से 13,100 का एक इमीडिएट सपोर्ट जोन होना चाहिए, और जब इसके ऊपर तब तक हम 13,900 तक की तेजी एक्सटेंड होते हुए देखेंगे, तो मैं करंट प्राइजेस से भी प्रेफर करूंगा तेजी। हालांकि ग्वार सीड में मुझे लगता है कि रिलेटिवली थोड़ी सी एक कंसोलिडेशन आ सकती है, जहां पे दाम जो है 6,750 से लेकर 6,600 के बीच कंसोलिडेट करें, और इवेंचुअली यानी हो सकता है कि 4 या 5 सेशन के अंदर अंदर हमें दोबारा तेजी आते हुए दिखे, जहां पर दाम जो है 7,000 के लेवल को पार कर जाए। तो फिलहाल रिलेटिव जो तेजी है मुझे ग्वार गम में ज्यादा आती हुई दिखती है। ग्वार सीड में भी तेजी रहेगी, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि 6,600 के अगर नीचे मिले तो वहां बाय करना बेहतर रहेगा। जी यही से अमित जी बिनौला खल की बात करें तो बिनौला खल में वही फिर से देख रहे हैं, बिनौला खल ने अपनी वही सुस्ती वाली रेंज पकड़ रखी है 3100 वाली। आपको क्या लगता है, क्या अभी भी बिनौला खल में तेजी बन सकती है? जी मुझे लगता है कि जिस प्रकार मुझे ऐसी उम्मीद थी कि पिछले हफ्ते या उसके पहले की तेजी की शुरुआत हो गई है, क्योंकि दाम 300% तक भी चले गए थे, लेकिन एक और बार हमने देखा है कि जिस तरह से नाफा वसूली आते दिखी है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक दायरा है और दायरे का जो दौर है कुछ समय तक चलता रहेगा। हालांकि पोजिशनली क्योंकि अभी भी लक्ष्य पेंडिंग है, तो इस दायरे में जितनी भी डिप मिले और जब तक 2,900 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, जो भी डिप मिले बाय कर सकते हैं। इसी डील करने का एक ही इलाज है कि दो लॉट समझ लीजिए आप, मल्टीपल लॉट्स में एक जो है आप बैंक ऑन के लिए रख सकते हैं और एक पोजिशनल टारगेट के लिए रख सकते हैं। समझ लीजिए आपने 3,000 का बाय किया, 300 आ जाता है, उसके ऊपर नहीं जा रही है तो आप बुक कर लीजिए, और दूसरा लॉट जो है वो 3,550 के लक्ष्य के लिए ऐसे छोड़ा जा सकता है। जी ये समय जी बात की जाए अगर सोयाबीन की, तो यूएस सोयाबीन को हमने 2 ट्रेडिंग सेशन पहले 1500 के लेवल्स तक आते हुए देखा था, अब देख रहे हैं कि 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ही यूएस सोयाबीन की कीमतों ने रिकवर किया है और $1600 के ऊपर फिर से निकली है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अब सोयाबीन का बाजार कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से सोयाबीन, अगर हम यूएस सोयाबीन की बात करें तो 1680 भारतीय बाजारों में मुझे लगता है कि 8,100 का एक लक्ष्य जो है हासिल हो सकता है। सोयाबीन में दोबारा एक पॉज के बाद तेजी पिकअप होने की ऐसी संभावना बन रही है। जी ये समय जी NCDX पर क्या लेवल रह सकता है सोयाबीन का? जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा था 8,100 तक के संभावना बनी हुई। जी अमित जी एडिबल ऑयल पैक की बात की जाए तो CPO और जो बाकी एडिबल ऑयल हैं जैसे मस्टर्ड है, हम उनकी कीमतें बढ़ते हुए देख रहे हैं, जैसे सरसों सोयाबीन CPO इस बार देख रहे हैं सबसे सस्ता जो CPO तेल बिकता था सबसे महंगा बिकता नजर आया है, तो ऐसे में ओवरऑल अब एडिबल ऑयल पैक में कैसा रुझान रहने वाला है? जी देखिए, खास करके रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद में हमने देखा है, क्योंकि यूक्रेन जो है एडिबल ऑयल का अच्छा सप्लायर है, तो हमने कीमतों को काफी छोटे होते हुए देखा है, और मुझे लगता है कि ये जो तेजी है अपसाइड में ऐसा हमारा मानना है कि करंट लेवल से भी करीब 6 से 7 चीजें की और तेजी कम कर करीब नेक्स्ट एक महीने में आते हुए देखेंगे। जी तो इसके चलते आई थिंक पूरे ही एडिबल कॉम्प्लेक्स में तेजी करके चलना फायदेमंद रहेगा। जी अमित जी टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप एग्री कम्युनिटीज में? देखिए वैसे तो काफी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं ग्वार कॉम्प्लेक्स में ग्वार गम, धनिया और खास करके M6 होटल, ये 3 टॉपिक देना चाहूंगा तेजी के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है और कम्युनिटी बाजार में किस कम्युनिटी में कितने कमाई के मौके हैं। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए व्यस्त नहीं, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबर लगातार यूं ही जारी रहेगी मार्केट MCV पर।